जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने L2 हॉस्पिटल पहुंचकर किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान भर्ती कोरोना मरीजों से फोन पर जाना उनका हाल, अस्पताल के डॉक्टरों से जानी मरीजों के खाने व स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। L2 अस्पताल में गंभीर कोरोना मरीजों को रखा जाता है, यहाँ अभी कुल 32 मरीज भर्ती हैं। जिलाधिकारी ने सभी का ख्याल रखने की हिदायत दी। मरीजों की होने वाली समस्याओं के लिए जारी किया लैंडलाइन नंबर। हम डेली 9 बजे जो हमारी कोविड फैसिलिटीज़ हैं उनका निरीक्षण करें और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब लोग हैं उनसे व्यवस्थाएँ और जो मरीज़ हैं उनके हालचाल जानें। उसी के क्रम में आज यहाँ L2 कोविड फैसिलिटी का निरीक्षण किया गया है। तो इसमें भाई सबसे पहले आके देखा गया कि जो हमारे कंप्लेंट रजिस्टर है वो मेंटेन्ड है कि नहीं। यहाँ पे अगर कुछ शिकायतें आती हैं, कंप्लेंट्स अंदर से आती हैं, तो एक लैंडलाइन नंबर दिया गया है, तो इंटरकॉम पे लोग बात कर सकते हैं। तो उसमें एक पेशेंट ने ऑक्सीजन के लिए बोला था, जिसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने फिर डॉक्टर्स की रूटीन जो राउंड वाली शीट है उसमें वेरीफाई किया कि वो गए हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पेशेंट से बात भी करी, तो उनको पर्याप्त मतलब उनके द्वारा व्यवस्था से थोड़ी संतुष्टि व्यक्त की गई। इसी क्रम में वहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था भी चेक करी गई, हमने खोल के खुद चेक किया कि नाश्ता जो पेशेंट्स को दिया जा रहा है वो ठीक दिया जा रहा है कि नहीं। एक डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि यहाँ टोटल 32 पेशेंट्स हैं, जिसमें से 3 थोड़े क्योंकि कोमॉर्बिडिटी है उनको डेली हम लोग डेली इनके द्वारा मतलब ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करते हुए उनको मतलब उनको पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है। उन्हीं में से एक क्रिटिकल पेशेंट दिलीप श्रीवास्तव जी से मेरी वार्ता भी हुई। उनसे पूछा गया मेरे द्वारा कि आपको डॉक्टर साहब आए थे, आप कितने बजे आए थे, उनके वाइटल्स चेक किए कि नहीं। तो उनके द्वारा बताया गया कि PPE किट में सर मैं पहचान नहीं पाता हूँ, बट आते हैं और सुबह मेरे को इंजेक्शन भी दिया गया है और ऑक्सीजन सप्लाई भी मेरी पर्याप्त तरीके से चल रही है और मैं थोड़ा रिकवर भी कर रहा हूँ। तो इसी ये और बाकी डॉक्टर साहब लोगों की कोई स्पेसिफिक परेशानी है उसके बारे में भी जानकारी करी गई। तो जो भी इनके द्वारा कमियां बताई गई उसके लिए CMO साहब को निर्देशित कर दिया गया।